गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, यूट्यूब चैनल इंडिया ओल्ड एज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में गहड़वाल राजवंश के राजनीतिक इतिहास के बारे में अध्ययन करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, गहड़वाल वंश के बारे में पहले वाले वीडियोस में हमने बताया था कि गहड़वाल जो राजवंश है उसके बारे में ऐतिहासिक स्रोत कौन कौन से हैं, ठीक है। तो यदि आप लोगों ने हमारे यूट्यूब चैनल इंडिया ओल्ड एज को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक और शेयर करें ताकि आपके फ्रेंड्स तक भी इंफॉर्मेशन पहुंच सके, ठीक है। तो चलिए पढ़ते हैं गहड़वाल या राठौड़ राजवंश का राजनीतिक इतिहास। प्रतिहार साम्राज्य के पतन के बाद कन्नौज तथा बनारस में जिस राजवंश का शासन स्थापित हुआ उसे गहड़वाल वंश कहा जाता है। इस वंश की उत्पत्ति के विषय में कोई निश्चित मत नहीं है। कुछ लेख गहड़वाल राजवंश को क्षत्रिय कहते हैं। इस वंश के शासक हिंदू धर्म और संस्कृति के पोषक थे तथा पूर्व मध्य काल में इनकी गणना प्रसिद्ध राजपूत कुलों में की जाती थी। गहड़वाल राजवंश के शासकों का इतिहास देखिएगा। सबसे पहले है चंद्रदेव। गहड़वाल अथवा राठौड़ वंश के शासक चंद्रदेव का इतिहास। प्रतिहार साम्राज्य के विघटन के बाद उत्तरी भारत में फैली हुई अव्यवस्था का लाभ उठाकर 1090 ईस्वी में चंद्रदेव नामक व्यक्ति ने कन्नौज पर अधिकार कर लिया। उसके पूर्वजों में महिचंद्र तथा यशो विग्रह के नाम मिलते हैं। इनमें यशो विग्रह इस वंश का प्रथम पुरुष था जो कलचुरी शासन में कोई अधिकारी था। उसका पुत्र महिचंद्र चंद्रदेव का पिता था। उसकी उपाधि नृप थी। इस उपाधि से पता चलता है कि वह एक सामंत शासक था जो कलचुरियों के अधीन था। गहड़वाल वंश की स्वतंत्रता का जनक चंद्रदेव था। कन्नौज से उसके 4 अभिलेख मिलते हैं जो दान पत्र के रूप में हैं। इनसे पता चलता है कि उसने वाराणसी, अयोध्या तथा दिल्ली आदि स्थानों पर भी अपना अधिकार कर लिया था। अभिलेखों में उसे परम भट्टारक, महाराजा धीराज, परमेश्वर आदि उपाधियों से नवाजा गया है। चंद्रदेव के पुत्र मदनपाल तथा पुत्र गोविंद चंद्र का बसही लेख मिला है। इस लेख से पता चलता है कि भोज की मृत्यु हो जाने तथा कर्ण के यश मात्र शेष बच जाने के बाद विपत्तिग्रस्त पृथ्वी ने चंद्रदेव राजा को अपना रक्षक चुना। इस विवरण से स्पष्ट होता है कि चंद्रदेव ने कर्ण की मृत्यु अर्थात 1073 ईस्वी के बाद ही कन्नौज पर अधिकार किया था। पृथ्वी के विपत्ति में पड़ने का कारण तुर्क आक्रमण था। आक्रमणकारी लूट करते हुए आगरा तक आ पहुंचे तथा उन्हें रोकने वाली कोई प्रबल शक्ति दुआब में नहीं रही। इसी आक्रमण से भारी अव्यवस्था उत्पन्न हो गई जिसका लाभ चंद्रदेव को मिला तथा उसने काशी, कन्नौज, कोसल और इंद्रप्रस्थ के ऊपर अधिकार जमा लिया। चंद्रदेव ने कलचुरी नरेश यशकरण को पराजित कर अंतर्वेदी अर्थात गंगा यमुना दोआब का प्रदेश जीत लिया था। काशी, कोसल, कन्नौज तथा इंद्रप्रस्थ पर भी अधिकार कर लिया था। चंद्रदेव ने 1103 ईस्वी तक शासन किया। वह एक शक्तिशाली शासक था जिसने अनेक राज्यों को जीतकर एक विशाल साम्राज्य स्थापित किया तथा अपने साम्राज्य को शक्ति और सुव्यवस्था प्रदान की। अगला शासक आता है मदनपाल। चंद्रदेव का पुत्र तथा उत्तराधिकारी मदनपाल एक निर्बल शासक था जिसकी उपलब्धियों के बारे में ज्यादा जानकारी प्राप्त नहीं होती है। उसके रानी के एक दान पत्र में उसे परम भट्टारक, महाराजा धीराज, परमेश्वर की उपाधि प्रदान की गई है। कई विद्वानों का मानना है कि मदनपाल के समय में शासन की वास्तविक सत्ता एक संरक्षक समिति के हाथ में थी तथा वह नाम मात्र का ही राजा था। उसे तुर्क आक्रमणकारियों ने कन्नौज पर आक्रमण कर बंदी बना लिया था तथा उसके पुत्र गोविंद चंद्र ने कड़े संघर्ष के बाद उसे मुक्त कराया था।
राहल लेख में कहा गया है कि बार बार वीरता प्रदर्शित करते हुए उसने अपने युद्ध कौशल से हमीर को शत्रुता त्यागने के लिए विवश कर दिया था। यहाँ हमीर से तात्पर्य अमीर से है, जो मसूद तृतीय का कोई सैनिक सरदार था। ऐसा लगता है कि गोविंद चंद्र को तुर्कों से लंबा संघर्ष करना पड़ा था। एच सी रे का विचार है कि गोविंद चंद्र को अपने पिता को छुड़ाने के लिए तुर्क आक्रांता को धन देना पड़ा था। इस प्रकार गोविंद चंद्र युवराज के रूप में ही काफी प्रसिद्ध हो गया था। गोविंद चंद्र मदनपाल के बाद उसके रानी राल्हा देवी से उत्पन्न पुत्र गोविंद चंद्र, जो 1114 से 1155 ईस्वी में था, गहड़वाल वंश का शासक बना। वह इस वंश का सर्वाधिक योग्य एवं शक्तिशाली शासक था। उसने कन्नौज के प्राचीन गौरव को पुनः स्थापित करने का प्रयास किया। इस उद्देश्य से उसने कई स्थानों की विजय की थी। अपने पिता के शासनकाल में ही तुर्क आक्रमणकारियों का सफल प्रतिरोध कर वह अपनी वीरता का परिचय दे चुका था। उसकी पत्नी कुमार देवी के सारनाथ लेख में कहा गया है कि दुष्ट तुरुष्क वीर से वाराणसी की रक्षा करने के लिए शिव द्वारा भेजे गए विष्णु का वह अवतार था। गोविंद चंद्र के समकालीन पाल शासक रामपाल तथा मदनपाल थे। बिहार के कुछ क्षेत्र गोविंद चंद्र ने बाल शासक रामपाल से छीन लिए थे। उसने पाल शासक मदनपाल को पराजित कर मुंगेर पर भी अपना अधिकार कर लिया था। इसी प्रकार कलचूरियों को पराजित कर गोविंद चंद्र ने यमुना तथा सोन नदियों के बीच स्थित उनके कुछ प्रदेश अपने अधिकार में कर लिए थे। गोविंद चंद्र ने ही सबसे पहले कलचूरी राजाओं द्वारा धारण की जाने वाली उपाधियां अश्वपति, गजपति, नरपति, राजत्रयाधिपति धारण की थी। ये शासक एक कूटनीतिज्ञ के रूप में भी था। विजेता होने के साथ साथ गोविंद चंद्र एक महान कूटनीतिज्ञ भी था। उसका चंदेल, चोल, कलचूरी, चालुक्य तथा कश्मीर के साथ मैत्री संबंध था। पालों तथा उनके सामंतों से मैत्री संबंध सुदृढ़ करने के उद्देश्य से गोविंद चंद्र ने पीठी के चिकोर वंशी देव रक्षित की पुत्री तथा रामपाल के मामा मथन देव राष्ट्रकूट की दोहित्री कुमार देवी के साथ अपना विवाह किया। इस वैवाहिक संबंध से सरयू पार के क्षेत्रों की विजय में उसे सहायता प्राप्त हुई। गोविंद चंद्र के कुछ सिक्के मिले हैं, जिन पर बैठी हुई लक्ष्मी का चित्र अंकित है। गोविंद चंद्र के लेखों में उसे विविध विद्या विचार वाचस्पति कहा गया है। गोविंद चंद्र स्वयं विद्वान था। उसका मंत्री लक्ष्मीधर भी शास्त्रों का प्रकांड विद्वान था, जिसने कृतीय कल्पतरु नामक ग्रंथ लिखा। इसमें 14 अध्याय हैं। प्रत्येक को कल्पतरु कहा गया है। इसका राजधर्म कल्पतरु तथा व्यवहार कल्पतरु क्रमशः है राजनीति एवं विधि से संबंधित है। लक्ष्मीधर को मंत्र महिमा का आश्रय कहा गया है, जिसकी सहायता एवं परामर्श से गोविंद चंद्र को सफलता प्राप्त हुई थी। उसकी पत्नी कुमार देवी बौद्ध मतानुयायी थी। अगला शासक आता है विजय चंद्र। गोविंद चंद्र के बाद उसका पुत्र विजय चंद्र, जो 1155 से 1169 ईस्वी में शासक हुआ, उसके दो अन्य नाम मल्लदेव तथा विजयपाल भी मिलते हैं। तो विजय चंद्र है, इसके दो अन्य नाम भी मिलते हैं। कौन कौन से हैं? मल्लदेव एवं विजयपाल। गोविंद चंद्र के दो अन्य पुत्रों स्फोट चंद्र तथा राज्यपाल देव के नाम भी लेखों से मिलते हैं, किंतु वे शासक नहीं बन पाए। या तो उनकी मृत्यु पिता के समय में ही हो गई, अथवा विजय चंद्र ने उन्हें उत्तराधिकार के युद्ध में पराजित करके मार डाला। उसने लाहौर के मुसलमान शासक को परास्त किया था। उसके पुत्र जयचंद्र के कमोली, जो बनारस में लेख में इसका विवरण मिलता है, जिसमें कहा गया है कि उसने पृथ्वी का करते हुए हमीर की स्त्रियों के आंखों के आंसुओं से जो बादलों से गिरते हुए जल के समान थे, पृथ्वी के ताप का हरण किया। यह हमीर लाहौर के तुर्क शासक खुसरो शाह अथवा खुसरो मल्लिक का कोई अधिकारी था, जिसने पूरब की ओर अपना राज्य विस्तृत करने का प्रयास किया होगा, तथा इसी क्रम में गहड़वाल नरेश ने उसे पराजित कर दिया था।
हमीर से तात्पर्य अमीर अथवा तुर्क शासक से ही है। उत्तर में विजयचंद्र के फंसे रहने के कारण पूरब से सेनों को और उसके राज्य पर आक्रमण करने का अच्छा मौका मिल गया। इसका लाभ उठाते हुए बंगाल के सेन वंशी शासक लक्ष्मण सेन ने आक्रमण कर दिया, लेकिन लक्ष्मण सेन को गढ़वाल साम्राज्य के किसी भी भाग पर अधिकार करने में सफलता नहीं मिल सकी। अगला शासक आता है जयचंद। विजयचंद्र का पुत्र जयचंद, जो 1170 से 1194 ईस्वी में गढ़वाल वंश का अंतिम शासक बना। भारतीय लोक साहित्य तथा कथाओं में वह राजा जयचंद के नाम से विख्यात है। मुस्लिम स्रोतों से पता चलता है कि कन्नौज तथा वाराणसी का वह सार्वभौम शासक था। मुसलमान इतिहासकार उसे भारत का सबसे बड़ा राजा बताते हैं, जिसका साम्राज्य चीन से मालवा तक फैला था। उसके पास एक विशाल सेना थी, जिसमें हाथी, घुड़सवार, धनुर्धारी सैनिक, पदाती सभी सम्मिलित थे। उसकी सेना की विशालता का संकेत चंद्रवरदायी भी करता है। जयचंद का समकालीन दिल्ली तथा अजमेर का चौहान राजा पृथ्वीराज तृतीय था। ठीक है, तो जयचंद का जो समकालीन शासक है वह कौन था? पृथ्वीराज तृतीय। चंद्रबरदाई के पृथ्वीराज राजस्व से दोनों की पारस्परिक शत्रुता का पता चलता है। इसके अनुसार पृथ्वीराज ने जयचंद की पुत्री संयोगिता का अपहरण कर लिया था। पृथ्वीराज के विरुद्ध जयचंद ने चंदेल शासक परमवर्ती देव की सहायता ली थी। पूरब दिशा की ओर सेन वंश के साथ भी जयचंद की शत्रुता थी तथा उसका समकालीन सेन वंशी शासक लक्ष्मण सेन था। सेन वंश के लेखों से पता चलता है कि लक्ष्मण सेन ने काशी के राजा को जीता तथा काशी और प्रयाग में उसने विजय स्तंभ स्थापित किए थे। मजूमदार का मत है कि लक्ष्मण सेन ने काशी द्वारा पराजित काशी नरेश जयचंद ही था। तो मजूमदार का मत है कि लक्ष्मण सेन ने काशी द्वारा पराजित जो लक्ष्मण सेन के द्वारा जो काशी का पराजित राजा था वह कौन था? जयचंद था, जिसने कुछ प्रदेश जीत लिए थे। जब मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज पर आक्रमण किया तब जयचंद तटस्थ रहा। कई भारतीय ग्रंथों जैसे विद्यापति कृत पुरुष परीक्षा, नये चंद्र कृत रंभा मंजरी नाटक आदि में कहा गया है कि जयचंद ने मोहम्मद गोरी को पहले कई बार हराया था। चंदावर का युद्ध। जयचंद तथा मोहम्मद गोरी की अंतिम मुठभेड़ चंदावर, जो एटा जिले में के मैदान में हुई, जहां कुतुबुद्दीन ऐबक के नेतृत्व में 50,000 सैनिकों का जयचंद की विशाल सेना से सामना हुआ। हाथी पर सवार जयचंद की आंख में एक तीर लग जाने से वह गिर पड़ा तथा उसकी मृत्यु हो गई। सेना में भगदड़ मच गई तथा मुसलमानों की विजय हुई। यह युद्ध चंदावर का युद्ध था। चंदावर का युद्ध 1194 ईस्वी में लड़ा गया था। मोहम्मद गोरी ने असनी में स्थित जयचंद के राजकोष पर अधिकार कर लिया। आक्रमणकारियों ने स्त्रियों तथा बच्चों को छोड़कर सबकी हत्या कर दी। मोहम्मद गोरी ने कन्नौज तथा बनारस को खूब लूटा। बनारस के 1,000 मंदिरों को ध्वस्त कर दिया गया। मंदिरों के स्थान पर मस्जिदें बनवाई गई। आक्रमणकारियों के हाथ लूट की भारी संपत्ति एवं बहुमूल्य वस्तुएं लगी। इस प्रकार गढ़वाल साम्राज्य का पतन हुआ। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट्स।